दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे साथ शेयर की है। गुजरात कच्छ के एक छोटे से गांव में रहने वाले विक्रम जी ने। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम विक्रम है और ये घटना आज से लगभग 80 साल पहले मेरे गांव के बगल वाले गांव में घटी थी। और जिनके साथ वो खौफनाक और डरावनी घटना हुई थी, जब भी वो आज उस घटना के बारे में याद करते हैं तो उनकी आंखों में आज भी वही डर दिखाई देता है जो डर उनकी आंखों में उस रात भी था। दरअसल ये घटना मेरे पास वाले गांव में रहने वाले हरि नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। आज वो काफी ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने साथ घटी हुई उस घटना के बारे में बताया तो यकीन मानिए कि उस घटना के बारे में सुनकर मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे थे। और आज भी जब मैं उनके साथ घटी हुई उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे अब भी डर लगने लग जाता है। दरअसल हरी काका के गांव के पास रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उस कुएं को ऐसा माना जाता था कि ये कुआं प्रेत बाधित है, यानी कि इस कुएं में कोई ना कोई भूत पिशाच या फिर किसी तरह की कोई बुरी शक्ति निवास करती है और वो बुरी शक्ति उस कुएं के अंदर ही रह रही है। उस कुएं के पास कोई भी गांव वाला रात के टाइम नहीं जाता था। वो कुआं एक रास्ते से सटा हुआ था, तो इसलिए जब भी कोई रात में उस कुएं के पास से निकलता तब वो बुरी शक्ति उस कुएं के पास से निकलने वाले इंसान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। और कई बार वो शक्ति उस इंसान को उस कुएं के अंदर ले जाकर मार डालती थी। सभी गाँव वालों को उस कुएं के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए कोई भी रात के टाइम उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन एक दिन हरी काका अपने गांव से बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लादकर मंडी में उस अनाज को बेचने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अनाज को बेचते टाइम उनको मंडी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है और काफी अंधेरा भी हो चुका था। हरी काका अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने गांव की तरफ रवाना होते हैं। जब हरी काका मंडी से अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे तो वो उसी रास्ते पर थे जिस रास्ते पर वो भयानक कुआं पड़ता है, जहां पर वो प्रेत पिशाच आत्माएं रहती हैं। हरी काका उस रास्ते के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उस मंडी से उनके गांव तक पहुंचने का वही एकमात्र रास्ता था, इसलिए मजबूरन हरी काका को उसी रास्ते से आना पड़ा। जब वो उस कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बैलगाड़ी के सामने एक छोटा सा बकरी का बच्चा बैठा हुआ है। वो बकरी का बच्चा रोड के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ था। दरअसल वो रोड उस टाइम पर कच्चा और एक तगरे जैसा था। इतना सकरा रास्ता होने के कारण हरी काका अपनी उस बैलगाड़ी को रास्ते के इधर उधर से भी नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हरी काका ने उस बकरी के बच्चे को वहां से भगाने की काफी कोशिशें की। लेकिन जब वो बच्चा वहां से खड़ा नहीं हुआ तो हरी काका अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने उस बकरी के बच्चे के पास जाकर उसे उठाया और उसे रोड के साइड में करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को उठाया तो उनको महसूस हुआ कि इस बच्चे का वजन काफी ज्यादा है और वो उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे हरी काका ने उस बकरी के बच्चे को उठाकर रोड के साइड में किया। लेकिन उसके बाद जब हरी काका अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर आगे बढ़ने लगे तो उन्हें थोड़ी ही दूर बाद वही बकरी का बच्चा फिर से रोड के बीचों बीच बैठा हुआ नजर आया। इसे देखकर हरी काका को अब समझ में आ चुका था कि शायद उस कुएं की सीमा शुरू हो चुकी है। हरी काका ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। उनको पता था कि रात का टाइम है और रात के टाइम भूत प्रेत और ऐसी शैतानी शक्तियों की शक्तियाँ काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और इस समय पर इनसे जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हरी काका अपनी बैलगाड़ी पर ही बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि बैलगाड़ी और घोड़े के ऊपर अगर कोई सवार हो तो ये शैतानी शक्तियाँ उसे सिर्फ दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये शक्तियाँ बैलगाड़ी या फिर घोड़े पर बैठे हुए इंसान को नीचे उतारने की कोशिश करती हैं
और अगर वो इंसान एक बार नीचे उतर जाता है तो उसके बाद उसकी मौत होना तय हो जाता है। हरी काका ये सब सोच ही रहे थे कि वो बकरी का बच्चा देखते ही देखते एक बड़े से भैंसे में तब्दील हो गया और उसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हरी काका के बैल काफी ज्यादा रुक रुक कर चल रहे थे, मानो कि उन बैलों को वो भैंसा किसी प्रेत के रूप में नजर आ रहा था। लेकिन हरी काका को पहले से ही पता था कि ये कोई छल है और ये उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर वो यहाँ पर रुके तो उसके बाद ये छल उनकी जान ले लेगा। हरी काका देखते ही देखते अपने बैलों को मारते मारते उन्हें आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो बड़ा सा भैंसा अचानक से उस कुएं के अंदर जाकर बैठ गया। हरी काका अपने बैलों को जोर जोर से मारने लगे ताकि वो बैल जल्दी से जल्दी उस रास्ते को पार कर जाएं। लेकिन जैसे ही हरी काका उस कुएं के पास पहुंचे तो उनके बैलगाड़ी के पहिए एकदम से लॉक हो गए और उनकी बैलगाड़ी मानो कि वहीं रुक सी गई थी। लेकिन उसके बाद हरी काका अपने बैलों को मारने लगे और उनके बैल भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बंद पड़ चुकी गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बैलगाड़ी के पहिए बिल्कुल भी नहीं घूम रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों ही बैल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गाड़ी को खींचने की कोशिश किए जा रहे थे। वो दोनों ही बैल अपनी ताकत के सहारे उस गाड़ी को खींचकर लगभग 300 मीटर आगे ले गए। जब उस कुएं से हरी काका और उनके बैलगाड़ी थोड़ी सी बाहर आई तो हरी काका ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने पाया कि उस कुएं के ऊपर एक चुड़ैल खड़ी हुई है और वो चुड़ैल हरी काका को अपने हाथ के इशारे से वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी। हरी काका समझ चुके थे कि अब शायद इस चुड़ैल का दायरा खत्म हो चुका है। दरअसल भूत प्रेतों और बुरी शक्तियों का एक निश्चित दायरा होता है और उसी दायरे तक ये शक्तियाँ अपनी ताकत दिखा सकती हैं। अगर कोई भी उस दायरे के अंदर होता है तो इन शक्तियों से बच पाना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन शायद उस दिन हरी काका की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो उस चुड़ैल से बचकर उसके चंगुल से बाहर निकल पाए। लेकिन जब हरी काका ने उस कुएं के दायरे को पार कर लिया, उसके बाद भी जब वो उस रास्ते पर चलते रहे तो उन्हें पीछे से पायलों की आवाजें, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें और ऐसी ही आवाजें आ रही थी, मानो कि इस जंगल में आज बहुत सारे जानवर आ गए हों। और जब हरी काका उस रास्ते को पार करके अपने घर पहुंचे तो जब उनके पिताजी ने उनकी बैलगाड़ी की ऐसी हालत देखी तो वो सब कुछ समझ गए थे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। दरअसल उस बैलगाड़ी को 300 मीटर तक खींचने के कारण उस बैलगाड़ी के पहिए पूरी तरह से घिस चुके थे। जब हरी काका ने रात को अपने साथ घटी हुई उस घटना के बारे में अपने पिताजी और गांव वालों को बताया तो गांव वाले अगले ही दिन उस कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके पास एक बरगद का पेड़ था, उसको भी काट दिया गया था। आज उस जगह पर एक अच्छा रोड बन चुका है। लेकिन इस घटना के 80 साल बीतने के बाद भी जब भी कोई उस जगह से रात के टाइम अब भी निकलता है तो उसके वाहन जैसे कि कार, बस और बाइक आज भी उस जगह पर जाकर अपने आप बंद पड़ जाते हैं और उस जगह पर आज भी ऐसी घटनाएं रात के टाइम होती रहती हैं। हरी काका की किस्मत तो काफी अच्छी थी कि उनके बैलों ने उसे बचा लिया, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। तो दोस्तों ये थी गुजरात के एक छोटे से जिले कच्छ के एक छोटे से गांव में रहने वाले विक्रम जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी ही हॉरर वीडियोज देखने को मिलती रहें। और इस चैनल पर आगे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वीडियोज आने वाली हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अगर आप भी मेरे साथ अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हैं
तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। और आप मेरी कहानी कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि कहां कहां से लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। जय